नमस्कार, सुविधा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं संबंध बोधक अव्यय के बारे में, जिसे प्रीपोजिशन कहा जाता है। तो अगर हम परिभाषा देखते हैं तो ऐसे अव्यय या ऐसे अविकारी शब्द जो संज्ञा या फिर सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से करे, उसे संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। उदाहरण मैं लेती हूँ कि भोजन के बिना जीवित नहीं रहा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर जो बिना मैंने लिया है वो एक संबंध बता रहा है। संज्ञा जो है यहाँ पर भोजन, उस संज्ञा को उसके बाद वाला जो शब्द है कि जीवित नहीं रहा जा सकता, इन दोनों में संबंध को बताने के लिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसे कहा गया है बिना। तो वो एक क्या होगा, संबंध बोधक अव्यय होगा। इसके अन्य उदाहरण भी मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ। मेरे घर के पीछे बगीचा है, तो यहाँ पर जो के पीछे है ये एक संबंध बोधक अव्यय की तरह काम कर रहा है। बच्चा ठंड के मारे कांप रहा है। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद में लगते हैं, उसके साथ में लगते हैं और उसका संबंध आगे जो वाक्य में जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उनके साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। हमारे घर के सामने स्कूल है, तो यहाँ पर जो के सामने है इस और पुल के ऊपर ट्रक जा रहा है, तो यहाँ पर जो के ऊपर है यह किस किस के शब्दों को जोड़ रहा है, तो बगीचा, ठंड, ट्रक और स्कूल शब्दों का संबंध पूरे वाक्य से जोड़ रहा है। इसलिए इसे क्या कहा गया है, इसलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहा गया है। अब अगर हम बात करते हैं संबंध बोधक अव्यय के, तो ये विभक्ति के बिना भी हो सकते हैं और विभक्ति के साथ भी हो सकते हैं, यानी विभक्ति रहित और विभक्ति सहित। तो एक उदाहरण जैसे हम लेते हैं, राम परिवार सहित मेला देखने गया है, तो यहाँ किसी भी प्रकार का कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। कारक में हम पढ़ेंगे जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, तो इस प्रकार के जो विभक्ति हैं इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, विभक्ति रहित। इस रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है और विभक्ति के साथ भी किया जा सकता है। जैसे कमरे के अंदर काफी लोग बैठे हैं, तो यहाँ के आया है, तो वहां पर क्या होगा, ये विभक्ति के साथ होगा। तो जहाँ पर तक, के बिना, के पास, से पहले, के सामने, के मारे, के नीचे, के आगे, सिवा, लिए, के साथ, चारों ओर, पहले, पश्चात, सिवाय, अलावा, के बाद आते हैं, वहां पर संबंध बोधक होता है। कमरे के बाहर सामान रखा हो, मेरे पास आओ, यह दवा दूध के साथ लाना, तो यहाँ पर क्या है कि कई में हम देख रहे हैं कि विभक्ति के साथ भी इसका प्रयोग हो रहा है और विभक्ति की बिना भी इसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। अब अगर हम इसके प्रकार देखते हैं तो अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय को 10 प्रकारों में बांटा गया है। कालवाचक, स्थानवाचक, साधनवाचक, दिशावाचक, समता बोधक, विरोधावाचक, हेतुवाचक, तुलनावाचक, उद्देश्यवाचक और कारणवाचक। तो ये 10 प्रकार हैं संबंध बोधक अव्यय के। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कालवाचक, तो ये नाम से वापस पता चल रहा है, जैसे काल यानी समय का बोध होता है, तो ऐसे अव्यय जिनसे समय का बोध हो उन्हें कालवाचक अव्यय कहा जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे पहला है पहले, बाद में, आगे, पूर्व, पश्चात, उपरांत, यानी समय से संबंधित अगर बात आ रही है। रमेश सुरेश से पहले आया, तो यह क्या हो गया, से पहले जो है वो काल की बात आ रही है, समय से रिले पहले जो है वो स्थान के संबंध में भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर वो समय के संबंध में आया, इसलिए ये कालवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। स्थानवाचक, जिन अव्ययों से स्थान का बोध हो उन्हें स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय कहेंगे। ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, पास, निकट, दूर, विद्यालय के पीछे बाग है, तो यहाँ पर के पीछे जो होगा वो क्या होगा, वो एक प्रकार का स्थानवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा। तीसरा है साधनवाचक, जिन अव्ययों से किसी साधन का बोध हो वो साधनवाचक संबंधवाचक अव्यय कहलाते हैं। जैसे द्वारा, के द्वारा, खातिर, बलबूते, कारण, हेतु, निमित्त, जरिए, सहारे, तो ये राम ने बाण के द्वारा रावण को मारा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के द्वारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, साधनवाचक। अगला है दिशावाचक, जिससे दिशा या डायरेक्शन का बोध हो, सामने, पीछे, प्रति, आर पार, आसपास, वह आसमान की ओर देख रहा है, तो की ओर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संबंधवाचक बोधक अव्यय कहलाएगा। पांचवा है समता बोधक, समता बोधक जिन अव्ययों से समानता का बोध हो
उसके समान सलीका भांति तरीका तरह बराबर योग्य तुल्य अनुरूप ऐसा जैसा, तो जिससे समानता का बोध हो, करने के समान दधीची भी दानित है। अगला है विरोधावाचक, जिससे विरोध का भाव अगेंस्ट जाने का भाव उत्पन्न हो, भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई की, तो यहाँ पर के विरुद्ध क्या हो जाएगा, ये भी एक प्रकार का संबंध बोधक अव्यय का प्रकार हो जाएगा। उसके बाद है हेतुवाचक, जिन अव्ययों से व्यक्ति के भाव का बोध हो उसे हेतुवाचक या व्यक्तिरेक वाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, और इसके उदाहरण है अलावा, अतिरिक्त, बगैर, बदले, बिना, जगह, अपेक्षा, सामने, आगे, सिवा और रहित। मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी के साथ नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पर अतिरिक्त क्या है, हेतुवाचक संबंध बोधक अव्यय है। अगला है तुलनावाचक, जिन अव्ययों से तुलना का बोध हो, चांदी की अपेक्षा सोना अधिक महंगा है, तो अपेक्षा, बराबर, तुल्य, सदृश, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, तुलनावाचक। उसके बाद है उद्देश्यवाचक, ऐसे अव्यय जिसे किसी उद्देश्य का बोध हो उसे उद्देश्यवाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, के लिए, के निमित्त, के हेतु और की खात के खातिर, राम की खातिर हनुमान जी लंका गए, तो उद्देश्य छिपा हुआ है इसमें कि किसके लिए हनुमान जी गए हैं, राम की खातिर, तो यहाँ के खातिर क्या हो जाएगा, उद्देश्यवाचक। अगला है लास्ट कारणवाचक, जिन अव्यय से कोई कारण का बोध हो उसे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है, रमेश महेश के कारण चला गया, तो के कारण, के मारे, के लिए, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे, ये सब आएंगे कारणवाचक संबंध बोधक अव्यय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो आज हमने बात करी है संबंध बोधक अव्यय के बारे में, जो कि एक प्रकार के अविकारी शब्द हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।